आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, आज तारीख है 31 अगस्त और 31 अगस्त को आपको ये टर्नओवर अपडेट करनी है और इस टर्नओवर अपडेट करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। इस वीडियो में सारी दिक्कतों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका क्या समाधान है ये भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि भाई 31 अगस्त तक हम इसे कैसे अपडेट करें, और अगर आज ही आपने अपडेट नहीं करी तो कल से क्या होगा, क्या आप पर कोई फाइन लगेगा, क्या आप पर कोई पेनल्टी लगेगी, क्या होगा। तो पहले इस चीज को समझिए, ये कहता क्या है। ये कहता है कि भाई आपको अपनी टर्नओवर अपडेट करनी है। कैसे अपडेट करनी है? डैशबोर्ड में जाकर करनी है। डैशबोर्ड में जाओगे, टर्नओवर अपडेट करनी है। सर कौन से साल की अपडेट करनी है? वैसे तो ये आपको साल दिखाएगा तीनों, फाइनेंशियल ईयर 19-20, 20-21, 21-22, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी टर्नओवर अपडेट करनी है वो है फाइनेंशियल ईयर 20-21 की। सर ये 20-21 की जो आपको टर्नओवर अपडेट करनी है, यहां पर ये दिखाता है एस्टिमेटेड टर्नओवर। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये कहता क्या है। ये कहता है कि हमने आपके सिस्टम कंप्यूटर टर्नओवर करी है जो आपकी 73,65,000 आई है। क्या ये टर्नओवर सही है जो डिपार्टमेंट ने कैलकुलेट करके दिया या जो जीएसटी पोर्टल ने करके दिया? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत टर्नओवर है। सर ये गलत टर्नओवर कैसे है मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या करा, फाइनेंशियल ईयर 20-21 के अंदर जाकर 3B डाउनलोड कर ली। 3B कैसे डाउनलोड कर ली? भैया एनुअल रिटर्न में जाकर डाउनलोड कर लेते हैं, वहां पर पूरे साल की 3B आ जाती है। जब मैं पूरे साल की 3B डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पर मेरी टर्नओवर आती है 81 लाख, 47 लाख हमारी रजिस्टर्ड की और टैक्सेबल और 34 लाख एग्जेम्प्ट। तो हमारी ये लगभग आती है 81 लाख, और जब मैं इनकी कैलकुलेशन पे जाता हूँ तो यहाँ पर आती है 73 लाख। अब पहली बात का डिफरेंस यही है कि हमारे को जीएसटीएन पोर्टल एक टर्नओवर दे रहा है। 3B में हमने टर्नओवर बिल्कुल सही दिखाई है, लेकिन यहाँ पर पोर्टल हमारे को गलत दे रहा है। तो इस केस में गलती किसकी है? भैया इस केस में गलती पूरी की पूरी पोर्टल की है। सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? भैया ये डिफरेंस किसी को नहीं पता क्यों आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कई केसेस में ऐसा देखा गया है। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने अगस्त की जो आपकी 3B थी वो आपने लेट फाइल करी है। सर लेट फाइल नहीं, हमने तो टाइम से फाइल करी है। भैया लेट फाइल का मतलब क्या था कि आपने ड्यू डेट के बाद फाइल करी है, हालांकि उस पर लेट फीस नहीं थी, उस टाइम पर रिलैक्सेशन था। लेकिन ये जो सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर है 73 लाख, इसमें अगस्त की टर्नओवर को ये ऐड नहीं कर रहा है। ये पोर्टल की बहुत बड़ी गलती है। तो सर अगर वो टर्नओवर को ऐड नहीं कर रहा है तो अब हम इसमें क्या करें? भाई इसके अंदर क्या करना है आपको, आपको इसका स्क्रीनशॉट खींचकर ठीक है ग्रीवेंस डाल देना है और उसमें बताना है कि भाई आप जो अपने सिस्टम से टर्नओवर दे रहे हो और जो हमने 3B फाइल करी है, पहली बात वो दोनों ही टर्नओवर मैच नहीं है। क्यों ना सर हम अपनी जो बुक्स की टर्नओवर है या जो हमारी 3B की टर्नओवर है जो हमारी मैच हो रही है हम यहां पर डाल दे 81 लाख। भैया अगर आप ऐसा डालते हो तो थोड़ा सा खतरा हो सकता है। क्यों हो सकता है? लेट सपोज मैंने यहां पर डाल दी 81 लाख टर्नओवर, ठीक है, उसके बाद सिस्टम कंप्यूटेड टर्नओवर भी उन्होंने ज्यादा कर दी, तो डुप्लीकेसी का खतरा हो सकता है। इसलिए आप ऐसा ना करें कि यहां पर 81 लाख ना डालें। तो पहली बात तो ये हुई कि जो आपकी सिस्टम की टर्नओवर, जो आपकी सिस्टम की टर्नओवर है वो आपकी 3B से मैच ही नहीं कर रही, उस केस में आप ग्रीवेंस डाल दें। और अगर कोई व्यक्ति यहां पर अपनी एग्जैक्ट टर्नओवर डालना चाहे तो वो डाल सकता है, हालांकि 3B की अगस्त की टर्नओवर ये इंक्लूड नहीं कर रहे, जो कि गलत बात है। अब यहां पर और दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत और क्या आ रही है, ये जो सिस्टम कंप्यूटर टर्नओवर है ये दूसरी बार भी गलत आ रही है। सर कैसे गलत आ रही है? अगर किसी ने 3B या GSTR1 फाइल नहीं करी है अभी तक तो उसकी टर्नओवर को इन्होंने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया है, जो इन्होंने ऊपर फॉर्मूला दिया है उसके हिसाब से। तो अगर आपकी वो टर्नओवर और आपकी बुक्स की टर्नओवर आपस में मैच नहीं करती तो यहां पर आप अपनी बुक्स की टर्नओवर डाल दें। लेट सपोज आपने अपनी बुक्स की टर्नओवर यहां पर डाल दी 81 लाख, ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप अपनी बुक्स की टर्नओवर डालोगे तो ये आपकी एग्रीगेट टर्नओवर को बुक्स की टर्नओवर मान लेगा और आप इसे सबमिट कर देना। सर अगर इसमें दोनों में डिफरेंस हुआ तो क्या नोटिस आएगा? नहीं, देखो नोटिस आने की कह तो सकते नहीं कि नोटिस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपको अपनी सही टर्नओवर तो दिखानी है। जो आपने यहाँ पर 81 लाख टर्नओवर दिखाई है ये आपकी बुक्स की है, आप इसे जस्टिफाई कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर इस टर्नओवर को आप जरूर दिखाओ जो आपकी बुक्स की एक्चुअल टर्नओवर है और आप इसे सबमिट कर दो।
सर इसका पर्पज क्या है ये टर्नओवर लेने का? भाई इसका कोई पर्पज नहीं है, इसका पर्पज सिंपली जहां तक मेरी नॉलेज है वो इसका पर्पज ये है कि भाई आप क्यूआरएमपी के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो वो चेक करने के लिए आपके टर्नओवर कितने, क्योंकि आपने देखा होगा काफी चीजें टर्नओवर के बेसिस पर है, तो उसके लिए इन्होंने ये टर्नओवर का फंडा अपनाया। क्या सर इसके बेस पर नोटिस आ सकता है, इनकम टैक्स में दिक्कत आ सकती है? आ तो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकती, तो लेकिन सर अगर आज हमारे पास टाइम नहीं है, आज 31 अगस्त हो गई है, अब हम क्या करें, कल क्या होगा? भैया होगा तो कुछ नहीं, आपके ऊपर कोई पेनल्टी तो लगने वाली नहीं है, कोई लेट फीस तो लगने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसा ना तो किसी रूल के अंदर लिखा ना किसी सेक्शन के अंदर लिखा, ये तो इन्होंने अपने को बोला है कि आप ये टर्नओवर सबमिट कर दो जिससे हम आपके टर्नओवर को चेक कर ले, तो ऐसा पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि भाई आपकी जो टर्नओवर है एग्जैक्ट टर्नओवर है आप उसे इसमें फिल कर दे, ठीक है ना, लेकिन अगर आज नहीं होती और कल को अगर विंडो खुली मिलती है तो आप इसे फिल कर सकते हैं, अगर इन्होंने विंडो ही हटा दी तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें अभी सारे काम छोड़कर जो भी टर्नओवर आपको गलत दिखाई दे रही है उस टर्नओवर को ठीक कर ले, और अगर आपकी सिस्टम वाली टर्नओवर ही आपस में मैच नहीं कर रही है तो आप उसके लिए ग्रीवेंस फाइल कर दे, और अगर आप यहां पर अपनी एग्जैक्ट टर्नओवर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल दे। देखिए हम क्या करते हैं, हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम सारी चीज को लास्ट में करते हैं। हालांकि अगर आपको पता हो हमने अपनी जो हमारी अगस्त की मैगजीन आई थी उसके अंदर बता दिया था कि भाई ये एक ऐसी फंक्शनैलिटी पोर्टल पर आई है और आप 31 अगस्त तक इस चीजों को फाइल कर देना, लेकिन कुछ लोगों ने अभी तक नहीं करा है। तो अगर आप हमारी मैगजीन पढ़ते हैं टाइम से पढ़ते हैं तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक मैगजीन नहीं ली है तो आप हमारी मैगजीन को लो सब्सक्राइब करा सकते हैं। सब्सक्राइब कराने के लिए आपको इन नंबर पर फोन करना है, व्हाट्सएप करना है, आप सब्सक्राइब करा सकते हैं। सर सितंबर की मैगजीन कब तक आ रही है? सितंबर की मैगजीन हम आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में दे देंगे। सितंबर की मैगजीन लगभग 80% फाइनल हो चुकी है, फाइनल मोड पर चल रही है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। सर आपने वीडियो थोड़ा सा लेट बनाई है, 31 तारीख तो आज ही है, आज हम क्या करेंगे? भैया लेट नहीं बनाई है, हमें तो लगा था कि इस पर वीडियो बनानी नहीं चाहिए, आप खुद ब खुद कर लोगे, लेकिन सुबह से काफी कॉल मेरे पास आई तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाकर आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विस ले सकते हैं जिसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप हमारा केजे क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी क्लासेस परचेज कर सकते हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू।